आपको बता दें पैतृक गांव शाहपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कई नेता मंत्री शामिल होंगे। अंतिम दर्शन के लिए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो खंडवा से भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का मंगलवार को निधन हो गया था। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। इसके बाद उन्हें 5 फरवरी को मेदांता में एडमिट कराया गया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ जिसके चलते मंगलवार को उनका निधन हो गया। तो नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा के बुरहानपुर से विधायक रहे थे। 1996 में 11वीं लोकसभा में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 12वीं 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह से निमाड़ में एक बड़ी क्षति भी हुई है नंद कुमार सिंह चौहान जी के जाने के बाद में कहा जा सकता है कि बीजेपी में शोक की लहर है, किस तरीके से आप देखती हैं एक असमय ये जो पूरा वाकया सामने है? निश्चित तौर पर ये तो एक अकल्पनीय सी ऐसी दुर्घटना है जिसका हम में से किसी ने इस दुर्देव की कभी कल्पना की ही नहीं थी। और देश की पार्लियामेंट के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और निमाड़ के लिए, खंडवा बुरहानपुर के लिए तो नंदू भैया एक अभिभावक के रूप में थे और मुझे तो उनकी स्मृतियां अपने बचपन से हैं। जब मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता थे, मेरे पिताजी थे उस समय और मुजुमदार साहब थे और हाथीवाला जी थे और अनिरुद्ध गुप्ता जी थे, उस समय के जो उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, वे नंदू भैया की तरफ एज ए यंग लीडर वे देखते थे कि ये कल का पोटेंशियल लीडर है, ये कल पार्टी के समाज के काम आने वाला व्यक्तित्व है इस व्यक्ति के अंदर। और नंदू भैया ने अपने जीवन में उनसे जो अपेक्षाएं उस समय के उनके वरिष्ठों ने करी, उन अपेक्षाओं पर वह खरे उतरे। उनका जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। तरीके से उनके सिद्धांतों को अब आगे बढ़ाया जाएगा, निमाड़ में जो उन्होंने सपना देखा था एक नई पहचान दिलाने का, वो आगे कैसे पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आया हर व्यक्ति जो उनसे कभी एका दो बार भी मिला होगा और कार्यकर्ताओं ने जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दशकों तक साथ काम किया है, वर्षों तक साथ काम किया है, वह निश्चित ही उनकी संगठन की और क्षेत्र के विकास की जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे और आज का समय हम सबके लिए हिम्मत रखने का समय है और आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटकर एक होकर नेक होकर पार्टी का काम आगे बढ़ाने का समय है। ये हैं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी और नम आंखों से उन्होंने भी यहाँ पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज शाहपुर। नंदू शून्य पैदा हुआ है मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में, और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे भी निजी जीवन में वो शून्य कभी भरा नहीं जा सकता। नंदू भैया जैसा कोई नहीं, एक अलग शख्सियत थे वो, सेवा की, समर्पण की, कार्यकर्ता के नाते परिश्रम की, संगठन कौशल की, उनके बिना सब अधूरा लग रहा है। आज उनको अंतिम विदाई देने हम जा रहे हैं।